हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में अरबी के न्यू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जो आप ये साइट देख रहे हैं, अरबी की साइट है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, नीचे आ जाइए आप। आप देख सकते हैं लेटेस्ट रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ग्रुप डी सिलेबस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न। फ्रेंड्स, ठीक है, जो अभी हाल में नोटिफिकेशन आया आपके एग्जाम पैटर्न का, जो न्यू एग्जाम पैटर्न आपका, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम, ठीक है। तो मैं आपका पक सिलेबस दिखा देता हूँ आपको मैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि आपका एग्जाम जो स्टार्ट है 17 सितंबर से स्टार्ट है दोस्तों, ठीक है। 17 तारीख का आपका पहला पेपर होगा रेलवे डी ग्रुप का, जो कि सीबीटी होना है, मतलब कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है दोस्तों आपका, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में दोस्तों। फर्स्ट स्टेज में देखिए, आपसे मैथमेटिक्स से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोस्तों जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी करंट अफेयर्स की नहीं है, तो आप मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस एंड जनरल इंटेलिजेंस से आप जोर दे सकते हैं दोस्तों। अगर आप इन तीनों को अगर ध्यान से करते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का इसमें है, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं है, तो आप इसे रहने दें, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लें, अदरवाइज इन तीन जो सब्जेक्ट बच गए आपके, इन पे ज्यादा जोर दें आप, ठीक है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा, और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, इसमें आपका टाइम मिलेगा 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम इन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जाम। जो आपका पेपर होना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप में होना है, मतलब ऑप्शनल टाइप में होना है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए मिलेंगे। सेकंड नंबर पे देखिएगा, द आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम पेपर कम्स विद 4 सेक्शन। जो आपका पेपर होगा दोस्तों, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन देखिए दोस्तों, इन इट कंडक्ट फॉर 100 मार्क्स। जो आपका पेपर होगा दोस्तों, 100 नंबर्स का होगा, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा दोस्तों, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ग्रुप डी एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स। आपको इसके लिए टाइम मिलेगा, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा दोस्तों, पेपर सोल्व करने के लिए टोटली, ठीक है। और दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर है, 1/3 की आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग की गई है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल, ठीक है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आरआरबी के ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें आपसे करंट अफेयर्स से साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्सनैलिटीज से, इकोनॉमिक्स से एंड पॉलिटिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, डेसिमल से, बोर्ड मास से, फ्रैक्शन से, एलसीएम एचसीएफ। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को जूम करके इस सब्जेक्ट को देख सकते हैं, सारे के सारे जो आपके चैप्टर्स दिए गए हैं इसमें, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। फ्रेंड्स, रीजनिंग के आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रखे हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटीज है दोस्तों, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आप इस वीडियो को जूम करके अपने सिलेबस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने ये चैप्टर्स दिए गए हैं रीजनिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप रिक्वायरमेंट सेल एग्जाम, मतलब दोस्तों साइंस के बारे में, इन्वायरमेंटल स्टडीज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स दोस्तों। जबकि 4 ये दिए गए हैं आपसे, इनमें से आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो कि ओनली 10th बेस पे होंगे दोस्तों, ठीक है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, जिन्होंने मतलब कि जिनकी तैयारी नहीं है साइंस की, और जो साइंस की जो 10th क्लास की बुक होती है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ लेंगे दोस्तों, तब भी आप साइंस को क्लियर कर दोगे, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो, तो आप इस साइट पे आके इस सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड गवर्नमेंट जो कि जितनी न्यूज होती है, सभी आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।